हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आप सभी लोग जानते ही हैं, असम में कुछ दिन पहले एक जॉब खुल के आया था, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो ये जॉब खुल के आया था, अभी इसका ऑनलाइन अप्लाई ये बंद हो चुका है। असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने अभी इसका एग्जाम डेट और बुक, रिकमेंडेड बुक क्या क्या पढ़ना है आपको, और उसके बाद असम के कितने लोगों ने ये असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, और रिटर्न टेस्ट आपका कब होगा, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का कब होगा, और देखिए गाइस एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। तो ये सारा कुछ अभी डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी ने अनाउंस कर चुके हैं। अभी देखिए गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को वही सारा कुछ मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। अगर गाइस अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि गाइस इसी तरीके का वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा आप लोगों के हेल्प के लिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो गाइस वीडियो में बने रहे, चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये मैं पीसी पर दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि गाइस मैं पीसी पर कंफर्टेबल हूँ, तो आप लोग ये मोबाइल पर इजीली देख सकते हो। तो सिंपली आपको टाइप कर देना है asamcareer.com, सिंपली आपको टाइप कर देना है। टाइप कर देने के बाद देखिए गाइस, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा asamcareer.com। तो सब कुछ असम का जो भी जॉब आएगा तो यहीं पर अपडेट आपको मिलेगा। तो देखिए गाइस अभी क्या करना है, पहले अभी उसके लिए देखिए सिंपली नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप लोग यहाँ में देख सकते हो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडमिट कार्ड 2022, और पोस्ट आप लोग यहाँ में देख सकते हो 26,441 पोस्ट रिटर्न टेस्ट। तो इसका अभी अपडेट यहाँ में आप लोग पढ़ सकते हो, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ में देख सकते हो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडमिट कार्ड 2022 26,441 पोस्ट रिटर्न टेस्ट। तो अभी सिंपली देखिए नीचे जाएंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ में पढ़ सकते हो, आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट वाइज आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। तो ये अभी यहाँ में है ऊपर में, तो आप लोग यहाँ में खुद पढ़ सकते हो। और उसके बाद देखिए गाइस नेम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड, तो ये आप लोग खुद पढ़िए। उसके बाद देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशन, तो कितने लोगों ने यहाँ में अभी अप्लाई कर चुके हैं। देखिए गाइस आप लोग यहाँ में देख सकते हो, तो यहाँ में बहुत कंपटीशन होगा। 11,15,460 एप्लीकेशन बोथ ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मिला के देखिए गाइस 11,15,460 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप लोग यहाँ में एक बार देख सकते हो कितना थाउजेंड पोस्ट है, 26,441 पोस्ट है ओनली, बट असम में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 11,15,460 आप लोग यहाँ में देख सकते हो इतने लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं। तो कंपटीशन बहुत ही टफ होगा। तो टाइप ऑफ एग्जाम आप लोग रिटर्न एग्जाम देख सकते हो। उसके बाद देखिए डेट ऑफ एग्जाम 7th and 21st August 2022, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 3 रेस्पेक्टिवली, आप लोग देख सकते हो। ग्रेड 4 का कितना है, कब है एग्जाम, 7th August 2022, तो 7th August में एग्जाम है ग्रेड 4 का। और उसके बाद ग्रेड 3 का एग्जाम कब है, 21 August 2022, तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो। और स्टेटस ऑफ एडमिट कार्ड नॉट रिलीज्ड येट, और रिलीज डेट ऑफ एडमिट कार्ड टू बी अपडेट लेटर, बाद में अपडेट होगा देखिए गाइस। और ये अभी तक एडमिट कार्ड नॉट रिलीज येट, अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। उसके बाद आप लोग यहाँ में देख सकते हो, यहाँ में आप लोग देख सकते हो एग्जाम डेट ऑफ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके नीचे में देखिए चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा हैज टुडे ऑन 19 जून, देखिए गाइस 9 जून 2022 अनाउंस द रिटर्न एग्जाम डेट ऑफ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो 9 जून में उन्होंने ये अनाउंस किया है देखिए गाइस। उसके बाद देखिए एक्सेप्ट क्लास 3, मतलब एक्सेप्ट क्लास 3 ड्राइवर, ये इसको छोड़ के, ये ड्राइवर को क्लास 3 इसको छोड़ के अभी ग्रेड 4 और ग्रेड 3 का, ये आप लोग यहाँ में देख सकते हो क्लास 4 और क्लास 3 का
एग्जाम डेट आ चुका है। तो आप लोग अपना हिसाब से देखिए आपने किस में अप्लाई किया है, ग्रेड 4 या ग्रेड 3 में अप्लाई किया है, वो आप लोग अपना हिसाब से देखिए। उसके बाद देखिए गाइस, क्लास 3 ड्राइवर के लिए 2B अपडेटेड लेटर, तो ये बाद में आपको अपडेट मिलेगा। उसके बाद देखिए रिकमेंडेड बुक फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अभी आपको ये एग्जाम पास करने के लिए कौन सा बुक आपको फ्लो करना है, तो यहाँ में जो बताया है वही आपको कर लेना है, क्योंकि गाइस यहाँ में जो भी बुक्स उन्होंने रिकमेंड किया है वही बुक पढ़ने से वहीं से ही क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ में जो बताया है वही लेना है आपको, तो वही बुक आपको फॉलो करना है। तो मेरा प्रिफरेंस यही रहेगा, यहाँ में जो बताया है वही आपको करना है। तो देखिए गाइस आप लोग यहाँ में पढ़ सकते हो, रिकमेंडेड बुक फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हियर इज ए लिस्ट ऑफ बुक फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एग्जामिनेशन। आप लोग यहाँ देखते हो, वही शॉर्ट लिस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर इच सेक्शन, यू मे बाय दिस बुक ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम योर नियर बाय बुक शॉप। घर के सामने में जो भी बुक शॉप है उस बुक शॉप में जाके, दुकान में जाके आप लोग इजिली ये बुक यहाँ में जो बताया है वो बुक आप लोग ले सकते हो। अभी देखिएगा असम में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो यहीं से क्वेश्चन आता है, आप लोग अपना हिसाब से पढ़िए यहाँ में, और आप लोग गाइस ये खुद पढ़िए। उसके बाद यहाँ में आप लोग देख सकते हो टॉपिक्स बुक्स, तो यहाँ में टॉपिक आप लोग यहाँ में देख सकते हो, उसके बाद बुक, बुक का नाम आप लोग यहाँ में देख सकते हो। तो देखिएगा जीके, अभी देखिए जनरल नॉलेज के लिए आपको कौन सा बुक लेना है, यहाँ में कौन सा बुक प्रिफेयर किया है, ल्यूशन का जनरल बुक, तो ल्यूशन का जो भी है जनरल बुक वो आपको लेना है। तो ल्यूशन का वो बुक कैसा होगा, लाइक ये है, देखिएगा ये ल्यूशन का बुक है, ये बुक आपको परचेस कर लेना है। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक आपको लेना है, करंट अफेयर के लिए देखिए गाइस मनोरम ईयर बुक, तो ये बुक प्रिफर किया है यहाँ में, तो मनोरम ईयर बुक लेना है। तो मनोरम ईयर बुक कौन सा है, ये वाला है, देखिए गाइस ये आप लोग गूगल में जाके सर्च करके इजीली इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, तो ये बुक लेना है। उसके बाद देखिए गाइस असम रिलेटेड टॉपिक्स, असम इज इंग्लिश ये होगा। उसके बाद रीजनिंग क्या है, रीजनिंग होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, तो ये आप लोग देख सकते हो, और जनरल इंग्लिश आपको एक बुक पढ़ लेना है अच्छे से। और अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक फर्स्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, तो गैस ये आप लोग देख सकते हो, इसके लिए भी आप एक बुक ले सकते हो। तो ये सारा कुछ यह हमें अभी रिकमेंड में आया है, तो यहीं से आपको बुक खरीदना है और उसके बाद वो बुक को फ्लो कर लेना है। तो यही था गाइस मेरा आज का वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलो गाइस, जय हिंद जय भारत।